सर आयुष्मान स्कीम इज राइश का सर विदाउट आयुष्मान इट विल बी अराउंड 1 or 1.2 आयुष्मान जब है तो फिर ज़्यादा आना ना रिप्लेसमेंट सर एक्चुअली हियर द पॉपुलेशन एरिया है सर हिल एरिया में ज़्यादा रहते हैं एक्चुअली पॉपुलेशन आई एम नॉट मच एजुकेटेड हैविंग सैटेलाइट फॉर ऑक्सीजन सिस्टम हॉस्पिटल है बेड के ऊपर कैसे चलते हैं त्रिपुरा स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम के बाद में मेडिकल हब स्टेट है। इधर से बाहर से भी बहुत लोग आके इधर सुविधा ले रहे हैं और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी के नाते गवर्नमेंट का पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको प्राइवेट कॉलेज के इसमें करने से स्पेशलाइजेशन पीपल बहुत से लोग आते हैं। कॉलेज रहने से हर इलाज का स्पेशलाइजेशन होता है, जैसा आई का है, ईएनटी का है और न्यू नॉनटल छोटे बच्चे कम वेट में होते हैं फ़ायदा होते हैं तो उनके लिए भी वार्ड है। ये जनरली किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कॉलेज इसके लिए जब देते हैं तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आते हैं, बच्चे हाउस सर्जन करते समय सर्विस देते हैं, उस सिलसिले में ये हॉस्पिटल और ये कॉलेज अपकमिंग कॉलेज है। अभी बहुत से लोग इधर से बांग्लादेश दूसरे जगह जा रहे करोड़ रुपये करके, कुछ बच्चों से भी मैं मिला था जो कल परसों आए थे, तो अपने पास अच्छे सहूलत है तो इसका यूटिलाइज़ करो। और ये कॉलेज बेस्ड हॉस्पिटल्स आने से आम पब्लिक के लिए हर तरफ का
हर किस्म का इलाज इधर मिल सकता है। वैसे एटमॉस्फेयर यह है, बिल्डिंग तो पुराना है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, मगर अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। आप रिलेशन के लिए कोई सजेशन है इसे? नहीं, अभी कुछ सब्जेक्ट्स में पोस्टग्रेजुएशन से सीट्स अभी नया आ रहा है। ऐसे ऑप्टोमोलॉजी में आंख के बारे में दो सीट अभी आए हैं, अभी आने का है, डिप्लोमा है, बाकी के कोर्सेस भी है, बहुत से चीज़ आना है, अभी धीरे धीरे वो आएगा।